जैसे जैसे यूपी का चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे कौन रुकेगा और कौन जाएगा की भी होड़ लगी हुई है। हर कोई 10 मार्च के बाद की टिकट कटने की बात कर रहा है। प्रयागराज में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए 10 मार्च के बाद विदेश जाने के लिए टिकट बुकिंग का दम भरा। तो वहीं अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने भी टिकट कटने को लेकर चुटकी ले ली। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव ने 10 मार्च के बाद कहीं बाहर जाने के लिए टिकट भी कटा लिया है। तो वहीं बीजेपी नेताओं के इस वार को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया। देखिए ये ट्वीट, बड़ा बड़ा लिखा है, 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। यहां तक तो सब ठीक था। दोपहर 1:44 पर यह पोस्ट किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रोल होने लगी समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि इस पोस्ट में 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश के साथ साथ छोटे छोटे अक्षरों में कुछ और भी लिखा था, राइड विद द टाइड। अखिलेश यादव ने छोटे जाति आधारित दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया है, समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापस लाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि उनके सहयोगियों के चंचल स्वभाव और अपने ही देश के नेताओं के बीच असंतोष के कारण ये चुनाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अब जब इस तरह का पोस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, तो फिर समाजवादी पार्टी को ट्रोल भी ढंग से किया गया। बीएम नाम के यूजर ने लिखा, आगे भी लिखो, लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में। उत्कर्ष नाम के यूजर ने लिखा, बेटा पहले पढ़ तो लो क्या लिखा है। अतुल शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा, भाई पढ़ भी लेते क्या लिखा है इसमें, धासु ग्राफिक्स देख के ट्वीटिया दिए। काजू कतला नाम के यूजर ने लिखा, डिलीट किया तो अखिलेश टोंटी चोर। परितोष द्विवेदी ने लिखा, टाइड वॉशिंग पाउडर से सपा साफ, समाजवादियों इतना हास्यास्पद प्रचार सामाजिक मंच पर कर कैसे लेते हो। देखा आपने, समाजवादी पार्टी को आधा ज्ञान कितना भारी पड़ गया। 10 मार्च को क्या अखिलेश ऐसे ही आ रहे हैं कि क्या लिखा है किसी ने पढ़ना ही जरूरी नहीं समझा और कर दिया ट्वीट और फिर ट्रोल भी हो ही गए। वैसे आप समाजवादी पार्टी की इस गलती पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।